दिस इज डॉक्टर जी एस फर्सवान एसोसिएट प्रोफेसर स्कूल ऑफ एजुकेशन उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी हल्द्वानी टुडे वी विल डिस्कस द टॉपिक एजुकेशन मीनिंग ऑफ एजुकेशन एंड रोल ऑफ एजुकेशन इन ह्यूमन लाइफ शिक्षा मानव विकास का मूल साधन है ये यूनिवर्सल ट्रूथ है बिना शिक्षा के बच्चे का विकास संभव नहीं है क्योंकि शिक्षा बालक का पालन पोषण करती है उसको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है और सभी प्रकार के ज्ञान को उपलब्ध कराकर बालक को आत्मनिर्भर बनाने का काम शिक्षा करती है क्योंकि एजुकेशन इज़ फंडामेंटल मीन्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट बाई इट द इनेट पावर्स ऑफ ह्यूमन बीइंग आर डेवलप्ड देयर नॉलेज एंड स्किल्स आर इन्हेंस एंड देयर बिहेवियर बिहेवियर इज चेंज एंड दे आर मेड सिविलाइज एंड कल्चर सिटीजन दिस टास्क बिगिनस राइट फ्रॉम द बर्थ ऑफ चाइल्ड ये कहिए कि शिक्षा मानव विकास का मूल साधन है शिक्षा के द्वारा बालक की आंतरिक शक्तियों का विकास होता है मूल शक्तियाँ जो इंटरनल फैकल्टीज होती हैं उनका विकास होता है ज्ञान और कला कौशल में वृद्धि होती है उनके व्यवहार में चेंज आता है वे इस प्रकार वे सभ्य एवं सुसंस्कृत नागरिक बनकर देश और समाज की सेवा में आगे बढ़ते हैं यह टास्क बच्चे के जन्म से प्रारंभ होता है और उसके जीवन के अंत तक चलता रहता है लेकिन इसमें एक चीज़ है शिक्षा मेन रूप से दो प्रकार से चलती है एक फॉर्मल एजुकेशन एक इनफॉर्मल एजुकेशन फॉर्मल एजुकेशन का मीन्स है कि एजुकेशन वह एजुकेशन जो एक निश्चित समय में एक निश्चित स्थान पर एक निश्चित उम्र में जो शिक्षा चलती है यानी जो स्कूली शिक्षा जिसको कहते हैं फॉर्मल एजुकेशन होता है और इनफॉर्मल एजुकेशन वह शिक्षा है जो जन्म से लेकर बच्चा जन्म लेता है वो घर में माता पिता से समाज से एक दूसरे से अंत इंटरेक्शन करके कुछ ना कुछ सीखता रहता है यह इनफॉर्मल एजुकेशन होता है यह बच्चे के जन्म से लेकर प्रारंभ होकर उसकी मृत्यु तक चलते रहता है इस प्रकार शिक्षा का बच्चे के जीवन में महत्वपूर्ण योगदान होता है क्योंकि शिक्षा शब्द की बात करें तो शिक्षा शब्द शिक्षा धातु में अप्रत्यय लगते बना है शिक्षा का अर्थ है सिखाना और सीखना इस प्रकार शिक्षा का अर्थ हुआ सीखने सिखाने की प्रक्रिया इसी प्रकार हम एजुकेशन शब्द अंग्रेजी के एजुकेशन शब्द की बात करें तो उसका अर्थ भी यही निकलता है एजुकेशन शब्द अंग्रे लैटिन भाषा के अ, एजुकेटम शब्द से निकला हुआ है जो दो शब्दों के संयोग से बना है ई प्लस ड्यू को एजुकेशन द वर्ड एजुकेशन हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लेटिन वर्ड एजुकेटम व्हिच इज द ज्वाइनिंग ऑफ टू वर्ड्स ई प्लस ड्यूको ई मीन्स फ्रॉम इनसाइड ड्यूको मीन्स प्रोसीड फॉरवर्ड ई का अर्थ है अंदर से बालक के अंदर से और ड्यूको का अर्थ है प्रोसीड फॉरवर्ड, यानी कि बालक की आंतरिक शक्तियों को बाहर की ओर विकसित करना इस प्रकार से एजुकेशन शब्द का अर्थ हुआ द वर्ड एजुकेशन एम्प्लाइज द एक्सप्रेशन ऑफ इंटरनल फैकल्टीज़ ऑफ़ द चाइल्ड टूअर्ड्स आउटसाइड तो इस प्रकार शिक्षा का बालक के जीवन में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान होता है शिक्षा के द्वारा ही बच्चे की बच्चे का लालन पालन उसे की स्वास्थ्य संबंधी किस प्रकार से उसको उसका फिजिकल डेवलपमेंट होना है मेंटल डेवलपमेंट होना है करैक्टर डेवलपमेंट होना है वोकेशनल डेवलपमेंट होना है सारे सारा विकास शिक्षा के द्वारा ही संभव होता है क्योंकि शिक्षा बच्चे को इस प्रकार से तराशती है जिससे वो जीवन में एक अच्छा नागरिक बने वो अच्छा नागरिक स्वयं अपने अपने अपनी आजीविका की पूर्ति करने के साथ साथ देश और समाज के लिए भी अपना योगदान दे सके शिक्षा शब्द के विभिन्न समानार्थी शब्द भी हैं जो कई समय में जिनका शिक्षा के लिए प्रयोग किया जाता है जैसे नंबर वन एडुकेयर नंबर टू एडुसियर नंबर थर्ड एडुकेटम एडुकेटम नंबर फोर्थ एडुको अब एडुसियर का अर्थ है लालन पालन करना यानी कि बच्चे की बच्चे का किस प्रकार से लालन पालन जिस प्रकार से माँ और बाप लालन पालन करते हैं उसी तरह से शिक्षा भी बच्चे का लालन पालन कर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है नंबर दूसरा शब्द है एडुसियर एडुसियर का है। शहर एडुशियर का मतलब है बच्चे की आंतरिक शक्तियों को बाहर निकालना टू लीड आउट और टू आउट थर्ड वर्ड है एडुकेटम एडुकेटम का अर्थ है सीखना प्रशिक्षित करना शिक्षित करना और सीखने सिखाने की प्रक्रिया टू एक्ट ऑफ टीचिंग टू एक्ट ऑफ ट्रेन एंड टू एक्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग एड लास्ट वर्ड है एडोको एडुको का अर्थ है बालक की आंतरिक शक्तियों का विकास करना यानी कि हारमोनियस हारमोनियस डेवलपमेंट ऑफ हारमोनियस डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड तो इस प्रकार शिक्षा बच्चे के जन्म से लेके जब बच्चा फॉर्मल एजुकेशन शुरू होता है तीन साल की उम्र में बच्चा स्कूल जाने लगता है तो शिक्षा के की सहायता से बच्चा आगे बढ़ने का प्रयास करता है उसके मूल शक्तियों का विकास होता है उसकी 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 इच्छा के अनुसार उसकी जिस जो इंटरेस्ट का फील्ड है उसके अनुसार उसको आगे बढ़ाने का प्रयास करती है और इसी प्रकार से वो आगे बढ़कर जब सेकेंडरी एजुकेशन प्राइमरी सेकेंडरी एजुकेशन के बाद जब हायर एजुकेशन की ओर बढ़ता है तो बच्चा अपने अकॉर्डिंग टू हिज इंटरेस्ट एंड एबिलिटी ही गोज़ फॉर हायर एजुकेशन वो उच्च शिक्षा में जाता है जि, जिस जिस फील्ड में उसका इंटरेस्ट होता है चाहे मेडिकल के फील्ड में होगा टीचिंग के फील्ड में होगा चाहे अन्य कोई भी फील्ड होगा उस फील्ड में जाकर अपने आजीविका सबसे मुख्य उद्देश्य जो है आजीविका अर्जित करना वो अपनी आजीविका अर्जित करना है समाज में अपना एक स्थान अर्जित करता है अपनी आजीविका अर्जित करने के साथ साथ समाज और देश के लिए भी योगदान देता है जिससे शिक्षा में जो खर्च सरकार के द्वारा होता है वो उसके द्वारा रिटर्न समाज इंडिविजुअल सोसाइटी एंड देश को प्राप्त होता है इस प्रकार शिक्षा मनुष्य के जीवन के लिए समाज के जीवन के लिए और देश के जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण कारक है बिना शिक्षा के हम किसी भी फील्ड में चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो सामाजिक क्षेत्र हो आर्थिक क्षेत्र हो किसी भी क्षेत्र में हम विकास नहीं कर सकते हैं इसलिए शिक्षा मनुष्य के सर्वांगीण विकास का एक महत्वपूर्ण साधन है शिक्षा मनुष्य के सभी क्षेत्रों के विकास का एक महत्वपूर्ण साधन है शिक्षा के बिना विकास संभव नहीं है इसलिए शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान बालक के जीवन में उसके पैदा होने से ही शुरू हो जाता है धन्यवाद